हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन सॉलिड एज। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉलिड एज ट्रेनिंग का 19वां वीडियो है। इससे पहले यानी कि 18वें वीडियो में हमने तीन कमांड स्टडी किए थे, जो थे होल कमांड, थ्रेड कमांड और स्लॉट कमांड। फ्रेंड्स, अगर से वो वीडियो यानी कि 18वां वीडियो आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में वो 18वें वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 18वें वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ये तीन कमांड यानी कि होल कमांड, थ्रेड कमांड और स्लॉट कमांड स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं राउंड कमांड। So, let's start. So, friends, round command आपको इस home tab में इस solid group के अंदर यहां पे मिल जाएगा। तो ये है round command। राउंड कमांड शार्प एजेस को राउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है। हम इंटीरियर या एक्सटीरियर एजेस भी इस कमांड की मदद से राउंड कर सकते हैं। तो जो भी शार्प एज है वो आइदर एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर हो या फिर सरफेस के इंटीरियर जगह पे हो, वहाँ पे हम उस शार्प एज को राउंड कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इस शार्प एज को राउंड कर सकते हैं राउंड कमांड की मदद से, वो स्टडी करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इस तरह का। अब यहाँ पे कुछ जगह पे जहाँ पे शार्प एजेस है उसको मैं राउंड करूँगा। जैसे कि ये फ्लैट बेस है और उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट माउंट किया है। अब इनका जो इंटरसेक्शन सरफेस है यानी कि इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का और इस बेस का यानी कि ये सर्कल, इसको हम राउंड करेंगे, जो इनिशियली अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो शार्प है। तो इसको राउंड बनाने के लिए हम जाएंगे राउंड कमांड के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे जिस एज को हमें राउंड बनाना है उस एज को हम सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। वो ऑप्शन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि राउंड पैरामीटर्स यहाँ पे है। तो ये राउंड, तो उससे पहले हम यहाँ पे राउंड पैरामीटर्स जो है उसको सेट कर सकते हैं। कौन से राउंड पैरामीटर्स हैं, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी राउंड पैरामीटर्स हमें सेट करने हैं वो हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए कौन से राउंड पैरामीटर्स हैं। तो पहला है कि आपको रोल अक्रॉस द टेंजेंट एजेस वो चाहिए, तो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हमें आसानी से पता चलता है कि किस ऑप्शन का क्या यूज़ है। जैसे ही मैं अभी इसको मार्क किया है तो फिलहाल ये एक्टिवेटेड है, यानी कि जो भी हम शार्प या फिर राउंड एजेस बनाने वाले हैं या फिर राउंड सरफेस बनाने वाले हैं उसका रोल अक्रॉस टेंजेंट एजेस ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेटेड है। अगर से मैं इसको ये मार्क हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है जो भी ऑब्जेक्ट हमारा हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद है आपको कैप शार्प एजेस चाहिए या फिर रोल अलोंग द शार्प एजेस चाहिए। कैप शार्प एजेस अगर से हम सेट करते हैं तो इस तरह से ये हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर से हम रोल अलोंग द शार्प एजेस रखते हैं तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। उसके बाद है फोर्स रोल अलोंग एट द ब्लेंड एंड्स। अगर से आपको ये स्पेसिफाई करना है तो यू कैन सेट दिस ऑप्शन। उसके बाद है मीटर एट कॉर्नर और रोल अराउंड।
कॉर्नर्स, ये दो ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेंगे। अभी यहाँ पे है मीटर एट द कॉर्नर, अगर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ रोल अराउंड द कॉर्नर, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये पहले मीटर अलोंग द कॉर्नर, यानी कि ये कॉर्नर जो है या फिर इस कॉर्नर का ये जो एज जो है वो पूरा का पूरा वही टाइप का एज यहाँ पे था, लेकिन जैसे ही मैं रोल अराउंड द कॉर्नर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो कॉर्नर जो है या फिर वो जो एज है वो एज राउंडेड पार्ट में या फिर राउंडेड सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस है। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ रूल अक्रॉस द टेंजेंट एजेस, और यहाँ पे रखूँगा कैप शार्प एजेस, और यहाँ पे सेट करूँगा मीटर कॉर्नर, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके बटन पे, और जो भी एज या फिर जो भी कॉर्नर आपको राउंडेड बनाना है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद हमें सेट करना है इस राउंडनेस का रेडियस, तो रेडियस मैं सेट करूँगा यहाँ पे 7 mm, और उसके बाद एंटर की जो है उसको प्रेस करूँगा। सो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये जो शार्प एज था वो राउंडेड एज में कन्वर्ट हो चुका है या फिर राउंडेड सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह से जो भी शार्प एजेस है उसको हम इस तरह से राउंडेड सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हम आपका स्पेसिफाइड रेडियस है वो रेडियस सेट करके इस तरह से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ राउंड कमांड। राउंड कमांड शार्प एजेस को राउंड बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में राउंड कमांड डिटेल में स्टडी किया। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर गेटिंग मोर वीडियोज ऑन द सॉलिड एज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। थैंक यू।